इस बात के दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन हो गया है, लेकिन हकीकत यह है कि सीटों का पेच अब तक फंसा है। जानकार बताते हैं कि कांग्रेस अब तक 15 सीटों पर अड़ी हुई है, जबकि तेजस्वी यादव और दूसरे सहयोगी दल कांग्रेस के लिए 9 सीट से ज्यादा नहीं छोड़ना चाहते। अब तक तेजस्वी कांग्रेस को 8 सीट देना चाहते थे, लेकिन लंबी बातचीत के बाद कांग्रेस के लिए एक अतिरिक्त सीट तैयार हो गई। बिहार की 40 सीटों का बंटवारा आरजेडी और कांग्रेस के अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, शरद यादव और माले के बीच होना है। 8 पार्टियों के बीच 40 सीटों को बांटना और सबको संतुष्ट करना आसान नहीं। सामने मोदी, नीतीश और पासवान की तिकड़ी जोरदार चुनौती पेश कर रही है, जबकि दूसरी तरफ तेजस्वी का तेज महागठबंधन के गणित में फीका पड़ता जा रहा है। वक्त किसी के पास नहीं, तेजस्वी कांग्रेस को पहले ही अल्टीमेटम दे चुके हैं, अगर कांग्रेस जल्दी फैसला नहीं करती तो ये तय माना जा रहा है महागठबंधन के लिए अभी भी एनडीए को हरा पाना कठिन काम है, और अगर कांग्रेस अकेले मैदान में उतरती है तो एनडीए की राह और आसान हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।